भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव को अनफॉलो कर दिया है और वो फॉलो इस वक्त बहुत सारे 164 लोग को फॉलो कर रही हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से खेसारी लाल यादव को अनफॉलो कर दिया। इससे पहले फॉलो कर रही थी, ये तकरीबन एक महीने की बात है। और आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के को छोड़कर अब काजल राघवानी भोजपुरी की तकरीबन सभी लोगों को फॉलो कर रही हैं। उसमें अक्षरा सिंह नहीं है और शायद आम्रपाली दुबे भी नहीं है, और मोस्ट ऑफ पवन हैं, अरविंद अकेला कल्लू हैं, और दिनेश लाल यादव निरहुआ है, रितेश पांडे हैं, अवधेश मिश्रा हैं, शुभि शर्मा है, यानी अच्छी खासी लंबी लिस्ट है, संभावना सेठ हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह को नहीं। अक्षरा सिंह को तो वो पहले से कभी भी फॉलो नहीं करती हैं, ये सभी जानते हैं कि अक्षरा सिंह और उनकी पट्टी नहीं है। ये तो एक बार अक्षरा सिंह ने अपने एक स्टेज शो में खुले आम काजल राघवानी के लिए कहा, कुछ कहा था। तो खैर उसकी आज हम चर्चा किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है वो ये कि भोजपुरी की एक बहुत बड़ी जोड़ी टूट गई, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अक्षरा और पवन ये भोजपुरी की एक बहुत बेहतरीन जोड़ी मानी जाती थी। तो ठीक उसी तरह खेसारी और काजल भोजपुरी की एक वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी मानी जाती थी, और इन्होंने तकरीबन अच्छी खासी फिल्में एक साथ की हैं, और इन दोनों का साथ मेहंदी लगा के रखना से जो जुड़ा अभी लगातार आप देख रहे होंगे अब तक था, और इन्होंने बहुत बेहतरीन फिल्में दी हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी इनके जोड़ी के कारण ही बनी है। और सबसे बड़ी बात कि खेसारी के साथ काजल राघवानी की बहुत अच्छी खासी लोगों को जोड़ी पसंद थी, लेकिन अब वो जोड़ी शायद नहीं रही जब से ये बात सामने आई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही घटिया बातें काजल राघवानी के खिलाफ कर रहे हैं। खेसारी को तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो हमेशा की तरह कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन काजल राघवानी के खिलाफ बहुत सारी बातें उठ रही हैं। लोग उन्हें गोल्ड डिगर कह रहे हैं, यानी कि बहुत लालची लोग जो कि किसी मतलब के कारण किसी के साथ जुड़े रहते हैं। साथ ही लोग ये कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह जैसा हाल होगा और आगे चलकर ये अक्षरा तो सिंगिंग के लिए थी भी, लेकिन ये इसके इनका क्या होगा और इन्हें आगे फिल्में कहाँ से मिलेंगी, और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारे सब कुछ हो रहा है। और उनके खिलाफ बहुत ही बड़ी लॉबिंग चल रही है, आप ये कह सकते हैं एकजुट होकर काफ़ी लोग काजल राघवानी के खिलाफ बोल रहे हैं। और हम कोई पक्षधर नहीं है काजल राघवानी के, लेकिन एक बात ये सभी लोग जान लें, अगर किसी को फॉलो करना अनफॉलो करना वो उस बंदे का है, काम है। अगर वो काजल राघवानी को नहीं करना है फॉलो, उनको खेसारी लाल यादव की से नहीं रखना है मतलब, तो वो उनका पर्सनल मैटर है, नोबडी कैन इंटरप्ट, ये बात सभी जान लें। लेकिन कोई आप बता रहे हैं तो सच्ची खबर बताएं। अभी तक काजल राघवानी लाइव नहीं आकर किसी को कुछ कहा है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, हो सकता है काजल कहें भी ना। काजल और पवन में एक सिमिलैरिटी ये है कि वो जल्दी उभर कर सामने नहीं आती हैं अपने कुछ पर्सनल इशू को लेकर, और अगर वो आएंगी तो ये पता है, पक्का है उन्हें कि इस बात का जितनी बात नहीं होंगी उससे भी ज़्यादा बतंगड़ बनेगा इन बातों का। तो इसलिए काजल राघवानी नहीं आ रही, और वो जानती हैं कि उन पर कैसा हमला किया जाएगा। अक्षरा सिंह का जो हाल उन्होंने देखा ही होगा, तो वो जानती हैं अगर वो खुल कर आएंगी तो खेसारी तो कम बोलेंगे, खेसारी के फैंस उन्हें सोशल मीडिया पे बदनाम कर डालेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि वो सब ठीक है, कुछ चीज़ें जो पचने लायक नहीं है कि खेसारी से भैया काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव को अनफॉलो किया है, तो सभी खेसारी लाल यादव की फेवरेट रही काजल राघवानी को भी अनफॉलो करें, ऐसी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो भाई ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है या ये बचपन की कोई बातें हैं, ये बचकानी बातें लगती हैं कि भाई मैं उन्होंने खेसारी लाल यादव को अनफॉलो किया तो आप भी उनको अनफॉलो कीजिए। लेकिन यहाँ जब तक काजल राघवानी नहीं कुछ बोलती हैं या खेसारी कुछ नहीं बोलते हैं तब तक कुछ भी कहना गलत है। रही बात इन दोनों में क्या मतभेद हुआ, क्या कारण हुआ, आगे ये दोनों फिल्में क्यों नहीं करेंगे साथ, करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी बात तो होगी नहीं कि खेसारी और काजल में पहली बार ये लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इससे पहले भी कई बार हुआ होगा। खैर अभी फ़िलहाल के लिए ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सभी के लिए,
वैसे तो आप सभी को पता चल गया होगा, लेकिन इसमें किसी भी एक एक्ट्रेस को बदनाम करना, जब पवन और अक्षरा का हुआ था तभी भी मैंने ये वीडियो कई बार बनाया है कि किसी भी पर्टिकुलर एक लड़की को इतना टारगेट करना अच्छी बात नहीं होती है। हमेशा दोनों पक्षों का देखा जाना चाहिए, चाहे वो काजल रही हों, चाहे वो अक्षरा रही हों, चाहे वो पवन रहे हों, चाहे वो फिर खेसारी लाल यादव रहे हों, सभी का, दोनों पक्षों का देखना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते हैं, काम करना है एक जगह, तो आपसी मनमुटाव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज़ ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं सभी से एक ही निवेदन है कि बगैर जाने कोई चीज़ को प्रिडिक्ट मत कीजिए। सामने बात आई तो बातें हैं, ये तो हमारे फेवरेट स्टार हैं, इनकी जोड़ियां टूटी हैं तो न्यूज़ ज़रूर बनेंगी, कोई उसमें दो राय नहीं है। इतने के लिए तो कहीं ना कहीं काजल राघवानी भी अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी होंगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।